बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किस बीमारी में क्या खाएं? दोस्तों, आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का, इनाम का बेहद शुक्रिया। दस्त हो जाएं तो केला, छाछ, चावल और दही का इस्तेमाल करें। अगर बुखार हो जाए तो दूध, मुनक्का और सागुदाना का इस्तेमाल करें। चीचक निकल आए तो अनार और मौसम्मी का इस्तेमाल करें। यरकान हो जाए तो रसदार फल और गन्ने का जूस कसरत से इस्तेमाल करें। अगर पथरी बन जाए तो मौसम गर्मा में पैदा होने वाली सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें। अगर ख़ारिश हो जाए तो लीमू का रस और चंबेली का तेल मिलाकर जिल्द पर लगाएं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, नीचे कमेंट लाजमी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आपकी मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का, आपके इनाम का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।